हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आरकॉम के बारे में हम बात करेंगे। अभी देखो, आरकॉम ये शेयर में बहुत लोग अटके पड़े। अभी आज के दिन में लोअर सर्किट लगा, मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन में भी ये लोअर सर्किट ही लगेगा, लगने के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं कहूँगा आज के दिन में ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसमें कितनी इंट्राडे में ब्लॉक डील हुई है, वो तो देखेंगी। पर मैं पहले कहना चाहूँगा, अभी ये जो शेयर ऐसा है कि इसमें कौन लोग फंसे, इसमें वही लोग फंसे हैं कि जिनको मतलब ये जो रॉबिनहुड ट्रेडर्स है, जो अभी लॉकडाउन के वजह से शेयर मार्केट में जितने लोग आए हैं वो लोग, उनको रॉबिनहुड ट्रेडर्स कहते हैं। और चलो शेयर मार्केट में आ गए, वो देख लेते सपने कि चलो हम भी राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, और वो सपने उनको ऐसे शेयर में आके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो लोग आरकॉम में फंसे जिन्होंने रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखा, या है अपने यूट्यूब पे जितने चैनल्स है जो आपको करोड़पति बना देते हैं, उनमें जो वो चैनल जो लोग देखते हैं वो लोग फंसे। और वो इतना बुरा फंसे कि वो अभी कैपिटल लूज करने वाले सबके सब। देखो ये कंपनी कंपनी में आज के दिन में जो ब्लॉक डील हुई वो पहले देखते हैं। देखो मार्केट खुलते ही, ये मैंने बाइंग सेलिंग पे रखा है विंडो, इस पे मार्केट खुलने के बाद 9:15 पे जब मार्केट खुला, तब इसमें जो बाइंग हुई ये 8 लाख, ये देखो ये 40 लाख, ये 38 लाख, ये 7 लाख, ये 23 लाख शेयर, ये देखो ये 3 लाख, 5 लाख 27, 5:33, 2:80। और जब ये लोअर सर्किट लगा, लोअर सर्किट कितने बजे लगा, ये लोअर सर्किट लगा ये टाइम पे, ये है अब जूम करके अगर ये परफेक्ट टाइम देखा जो 9:24, तो 9:24 पे जो सेलिंग शुरू हुई, देखो यहाँ पे 1,41,00,000 शेयर सेल हुए। जब ये लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तब 1,41,00,000 शेयर इसमें सेल हुए। उसके बाद 13 लाख, इसके बाद 10 लाख, 13 लाख, देखो यहाँ पे 14 लाख, फिर यहाँ पे 10 लाख हो गए, फिर यहाँ पे 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख, कंटिन्यू सेलिंग होती रही। इसमें 17 लाख शेयर सेल हुए, फिर 22 लाख शेयर। ये लोगों का चलो इनका तो सेलिंग हो गया, ये लोगों ने तो सेल कर दिया, पर जिन्होंने बड़े बड़े सपने देख के रखे हैं, मतलब ये अगर ये चार्ट लगाते, सोचो कि 4 रुपए का शेयर है, अब हम ये शेयर जाएगा आराम से 40 रुपए जाएगा या 90 रुपए तक जाएगा, ऐसा जिन्होंने सोचा, उनके लिए मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, रेस्ट इन पीस। ये शेयर आपको कभी रिटर्न नहीं देगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम होगा, और ऑपरेटर गेम तो होगा ही होगा, और जितने भी रॉबिनहुड ट्रेडर्स है उनको लेके जाएगा। मुझे ये शेयर किसी ने फ्री में भी दिया ना तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि इसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो मैं ये शेयर में इन्वेस्ट कभी नहीं करूंगा। आपको कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद ही करने हैं। आप लोग क्या देखने जाते हैं, आप ये देखते हो, देखो शेयर ने क्या किया, वन वीक में 14%, वन मंथ में 165%, 3 मंथ में देखोगे तो 158%, वन ईयर में 244%, तो रिटर्न तो बहुत बढ़िया दिए। ये देख के लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और मार्केट में जो गलत न्यूज घूमती है, मार्केट में मैंने देखा है, शेयर मार्केट में, और ये चीजों में फंसने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है यूट्यूब। यूट्यूब पे कुछ लोग इतनी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं इन्वेस्टरों को कि ये खरीद लो करोड़पति बन जाओ, ये खरीद लो लखपति बन जाओ, और बेचारे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंसते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। कंपनी देखो कंटिन्यू लॉस मेकिंग है, कहीं भी इसको प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं, सब फैक्टर नेगेटिव जा रहे। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब इसको शेयर मार्केट में रखा ही क्यों है, इसका मैं पहले सोचता हूँ कि इसको रखा ही क्यों है ये कंपनी को, इतनी खराब कंपनी है। और प्रमोटर के पास 5%, FIs के पास 0.17, DIs के पास 4%, म्यूचुअल फंड ने उसमें 0.01 रखा है, और अदर मतलब अपने भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर के पास 90% शेयर, ऑलमोस्ट 90% शेयर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। इसीलिए हम जो फाइनल स्टेटमेंट लेते हैं कि शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं बनाता, ये ऐसे शेयर्स के वजह से लोग पैसा नहीं बना पाते। कंपनी अगर टिकर टेप पे भी देखे,
रेड फ्लैग है, एंट्री पॉइंट अभी भी ठीक नहीं है कंपनी का, मतलब कोई कवरेज करने के लिए भी तैयार नहीं, कोई फॉरकास्ट करने के लिए तैयार नहीं कि इसमें कोई बताए कि ये शेयर कहाँ पे जाएगा। तो इससे समझ लो अभी भी चांस है, जितना जल्दी हो सके इसमें से अगर आप निकल पा रहे होगे तो निकल लो, ये शेयर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करके देगा। तो अगर आज के दिन की बात करें, देखो आज के दिन में जो मैंने आपको पहले बाइंग दिखाया, टोटल आपके 14 करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं, उसमें से 7 करोड़ शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं, 51% शेयर डिलीवरी में उठाए जाते हैं। ये भी लोग कल से एक ही बात बोलेंगे, रिलायंस ने डुबा दिया, आरकॉम ने डुबा दिया, आरकॉम में फंस गए, अब मैं क्या करूं। तो ये 51% जिन्होंने डिलीवरी उठाई, इनके लिए भी रेस्ट इन पीस, और जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है ये शेयर में उनके लिए भी। अगर हम चार्ट चेक लेते, अभी चार्ट चेक लेने जाए तो इसका चार्ट चेक मतलब सपोर्ट, इसका मैं यही बोलूंगा कि यही पे सपोर्ट ले सकता है शेयर, 3 रुपये 46 पैसे के आसपास आएगा, 3 रुपये 46 पैसे के पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। गारंटी नहीं ले सकता कि ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये शेयर की वैल्यू 1 रुपए के भी नीचे ही होनी चाहिए। अभी जो 4 रुपए बढ़ गया है, मेरे हिसाब से 1 रुपए के नीचे ही वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला सपोर्ट 3 रुपए 46 पैसे, दूसरा सपोर्ट आएगा इसका 2 रुपए 50 पैसे, तो इसके लिए आप होल्ड कर सकते हो नीचे की तरफ। ये रहा ओवरऑल एनालिसिस आरकॉम पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।